नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन भारत को नया अध्यक्ष बनाने के साथ ही खत्म हो गया है। कार्यक्रम के समापन समारोह में भारत को G20 ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया गया है और भारत के कार्यकाल की शुरुआत 1 दिसंबर से शुरू होगी, यानी कि अब अगले एक साल तक भारत विश्व की अर्थव्यवस्था की 80% हिस्सेदारी रखने वाले देशों के संगठन का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। बीते कुछ दिनों से भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की तलाक की खबरें जमकर वायरल हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म उर्दू फ्लिक्स से सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के नए शो का ऐलान किया गया है। इस शो के पोस्टर को देख लोग भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर बिहार के बेगूसराय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखने वाला यह शख्स बेगूसराय में उत्पाद थाना में कार्यरत ASI सुमंत कुमार शर्मा है। वहीं जिस महिला के मांग में वह गुस्से में और पूछकर सिंदूर डाल रहा है, उसे वह प्यार करता है, कहा यह भी जा रहा है कि यह वीडियो काफ़ी पुराना है और अब वायरल हो रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान में उतरी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच सूरत से आम आदमी पार्टी के लापता उम्मीदवार कंचन जरीवाला बुधवार को नामांकन फॉर्म वापस लेने पहुंचे। कंचन जरीवाला ने कहा कि BJP के लोग जबरन पर्चा वापस ले रहे हैं, इधर आपने BJP पर धमकाने का आरोप लगाया है। केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को एक्ट्रेस सनी लियोनी, उनके पति डेनियल वेबर और उनके एक कर्मचारी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस जुयाद रहमान ने लियोनी की उस याचिका पर आदेश पारित किया जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने प्रो क्रिकेटर कामरान अकमल को लीगल नोटिस भेजा है। कहा जा रहा है कि यह नोटिस T20 वर्ल्ड कप के दौरान रमीज राजा और PCB के बारे में आपत्तिजनक बयान देने पर जारी किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में PCB चीफ और भी कई पूर्व पाक क्रिकेटर्स को मानहानि और गलत बयानबाजी के नोटिस भेज सकते हैं। देश में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, ऐसे में यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले ही जान लेना जरूरी है कि आपकी ट्रेन रद्द, डाइवर्ट या रिशेड्यूल तो नहीं की गई है। इसकी जानकारी हर दिन भारतीय रेलवे शेयर करता है, जिसे इस वेबसाइट पर कोई भी देख सकता है। यह वेबसाइट है inquiry.indianrail.gov.in या MNTE या फिर NTES ऐप पर भी इसकी जानकारी मिल जाती है। IPL 2023 के लिए होने वाले मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने रिटेन और रिलीज करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ा फैसला लेते हुए सबको चौंका दिया है। फ्रेंचाइजी ने टीम के कप्तान केन विलियमसन को ही रिलीज कर दिया है। इस रिलीज के बाद आकाश चोपड़ा की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को अगले सीजन के लिए टीम की कमान सौंपी जा सकती है। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बाली में उड़ीसा में चल रही बाली यात्रा के गौरवशाली इतिहास के बारे में बोलने के लिए PM मोदी को धन्यवाद दिया है। सुदर्शन ने अपने ट्विटर हैंडल पर बाली यात्रा पर अपनी रेत कला का प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने इस अवसर पर एक विशाल रेत कला नाव बनाई है। UNFPA ने ट्वीट किया कि 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने, 8 अरब संभावनाएं, अब हमारी धरती 8 अरब मनुष्यों का घर है। साथ मिलकर हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें सभी 8 अरब लोग फले फूले। UNFPA ने जनसंख्या में वृद्धि को मानवता की उपलब्धि का प्रमाण बताया है। इनमें घटती गरीबी, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा का विस्तार जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल VS राजू ने कहा कि भारत इंटरनेट का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, इसमें अधिकतर महिलाएं सबसे ज्यादा साइबर हमले का शिकार होती हैं। इस अभियान के अब अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने डॉक्टरों के कथित लापरवाही के कारण एक फुटबॉल खिलाड़ी प्रिया की मौत पर प्रतिक्रिया दी है और राज्य में अस्पतालों की स्थिति पर सवाल उठाया है कि अन्नामलाई ने मंगलवार को अपने आधिकारिक बयान में कहा कि फुटबॉलर प्रिया की मौत चौंकाने वाली और दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है और सवाल किया कि क्या गलत हुआ। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के गौरीपट्टनम में एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। जिला कलेक्टर माधवी लता ने मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के मद्देनजर बाली में हो रहे G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी थी कि जिस समिट के कम्युनिक में जगह मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह युग जंग का नहीं है। G20 के सदस्य देश के नेताओं ने यूक्रेन में रूस के हमले की कड़े शब्दों में आलोचना की, साथ ही बिना शर्त जंग को खत्म करने की मांग रखी।
सामान्य टैक्स पेयर्स के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जबकि कॉरपोरेट्स और वे लोग जिन्हें अपने खातों या ऑडिट कराने की आवश्यकता थी उनके लिए आईटीआर की तारीख 7 नवंबर 2022 थी। लेकिन अब एक और मौका है टैक्स पेयर्स पेनल्टी का भुगतान करके अब भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार यानी आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें यूपी के गांवों में पर्यटन पहुंचाने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए गांवों के घरों को होटल और लॉज में तब्दील किए जाने का भी प्रस्ताव पास किया है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु खरीद अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। निदेशालय द्वारा विज्ञापित जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड के कुल 321 पदों के आवेदन की आखिरी तारीख रविवार को समाप्त होने जा रही है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल सेवाओं पर निर्भरता बढ़ी है, उसी अनुपात में इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट का अंबार भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो उत्पादकता खत्म होने अथवा तकनीकी खराबी की वजह से उपयोग में नहीं लाई जा सकती, ई कचरे का रूप ले लेती है। देश में ई कचरे का प्रबंधन स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया अभियान का अहम हिस्सा है। एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद से ही यह मंच सुर्खियों में है। उपभोक्ता नए सीईओ द्वारा किए जा रहे बदलावों की वजह से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि मास्टोडन, कू जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने लगी है। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो ट्विटर के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो कू, मास्टोडन, टम्बलर, काउंटर सोशल, को होस्ट जैसे ऐप आजमा सकते हैं। 2004 से गुजरात में हुए चुनावों के संबंध में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्लेषण के दौरान यह बात सामने आई है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना साफ सुथरे उम्मीदवारों की तुलना में अधिक थी। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा ने जो जानकारी दी उसके अनुसार उनके पास कुल 97 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इस संपत्ति में करोड़ों के जमीन प्लॉट और आलीशान घर को भी उन्होंने शामिल किया है। इसके अलावा रिवावा और उनके पति के पास करीब 1 करोड़ रुपए के गहने मौजूद हैं। जडेजा ने 2021-22 में 18.56 करोड़ रुपए की आय अपने हलफनामा में दिखाया है। वह लग्जरी गाड़ियों में शौकीन भी हैं। कांग्रेस नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना था। इधर झामुमो के सभी विधायक राजधानी में जुट गए हैं। मंगलवार देर शाम झामुमो विधायकों की सीएम के साथ बैठक हुई। झामुमो विधायकों ने स्थापना दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को रद्द किए जाने और राज्यपाल रमेश बैस की समारोह में अनुपस्थिति पर भी चर्चा की। बुधवार को यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। आजम खान ने आसिम राजा के नाम की घोषणा करते हुए उन्होंने अपना अजीज साथी और लंबा सियासी तजुर्बा रखने वाला बताया है। इसके जरिए आजम ने रामपुर के अपने समर्थकों को आसिम के पक्ष में जुटने का संदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का फिर से टेस्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए फिर से नमूने लेने और 2 सरकारी और 1 प्राइवेट लैब में भेजने को कहा है। कोर्ट में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। इस दौरान कंपनी पाउडर का प्रोडक्शन तो कर सकेगी लेकिन बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी। हालांकि ये आदेश सिर्फ महाराष्ट्र के मुलुंड प्लांट के लिए प्रभावी रहेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कंचन जरीवाला बुधवार को नॉमिनेशन वापस लेने पहुंचे। वहीं आपके सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी ने कहा कि कंचन जरीवाला मंगलवार शाम से गायब हैं। गढ़वी का आरोप है कि भाजपा के गुंडों ने जरीवाला को परिवार समेत अगवा कर लिया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी और उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब के किचन से पुलिस को खून के निशान मिले हैं। क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस सोमवार रात आफ्ताब को उसके फ्लैट पर ले गई थी। इसी दौरान उसके किचन में खून के ये निशान मिले। रिपोर्ट के मुताबिक साकेत कोच ने तब की नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अभी तक नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं मिली है। कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम को दिया है। फोरम ने यह भी कहा है कि अगर MCG चाहे तो यह पैसा वह कुत्ते के मालिक से भी वसूल कर सकती है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरवी ब्रिज हादसे पर नगर पालिका के धूलमूल रवैये पर कड़ा रुख अपना लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि इस मामले को हल्के में ना ले, जवाबी हलफनामा दाखिल करें, नहीं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भरे। मोरबी हादसे पर सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने देश में डिस्ट्रिक्ट जजों के प्रति बर्ताव को लेकर कटाक्ष किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में CJI ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों को जिला अदालतों को सबऑर्डिनेट मानने की मानसिकता बदलनी चाहिए। यह हमारी औपनिवेशिक मानसिकता को बताता है।
टी20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 दौर में बेहतरीन प्रदर्शन करके सूर्य कुमार यादव नंबर एक बल्लेबाज बने थे, जिसमें उन्होंने 5 पारियों में 3 अर्धशतक जमाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मेहरा माही, अमन कुमार, रविशंकर, ओमकार सिंह, मोहम्मद नौशाद, जितेंद्र ठाकुर और नुन्नू कुमार। आज का सवाल है कि आकाश चोपड़ा की तरह क्या आपको भी लगता है कि IPL फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त करेगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।